न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। लंबे समय से देश की सबसे पुरानी पार्टी और इस समय मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का पुराना जनाधार कई वर्षों में काफी खिसका है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी हार हुई है और पिछली बार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उसे 100 से कम वोटें सीटें आई हैं। चुनावी राजनीति के डिगर पार्टी के अंदर नेतृत्व का संकट भी कायम है और इस सवाल को लेकर पार्टी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए लिखा था कि अध्यक्ष के नाते हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी को जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक महीने पहले ही नए अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाना चाहिए था, बिना देर किए हुए नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द हो, मैं इस प्रक्रिया में कहीं नहीं हूं, मैंने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब मैं पार्टी अध्यक्ष पद नहीं हूं। सीडब्ल्यूसी को जल्द से जल्द बैठक बुलाकर इस फैसले पर विचार करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी एक बार फिर से पार्टी की कामकाज पर सवाल उठाया है। आजाद पार्टी के उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अगस्त में पार्टी में सुधार के लिए लिखी गई चिट्ठी पर दस्तखत किए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जारी वैचारिक मतभेद के बीच अप्रैल में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव कराने पर विचार कर रही है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे 2019 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद हुए नुकसान को कम किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती है। अब प्रियंका गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा सामने आया है। आपको बता दें कांग्रेसियों ने आज धरना प्रदर्शन कर राहुल गांधी से मांग की कि वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान दे और अगर राहुल ऐसा करेंगे तो कांग्रेसी अपने पद को छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों की माने तो नेतृत्व संगठनात्मक चुनावों में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी भी पार्टी के नेताओं को संकेत नहीं दिया है कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं। गौरतलब है कि राहुल ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी। पार्टी के करीबी नेता ने कहा कि इस बात की पूरी संभावनाएं हैं, राहुल गांधी अगर लड़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं तो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा एक संभावित उम्मीदवार हो सकती है। गांधी परिवार से इतर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उम्मीदवारों के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव रोचक हो सकता है। हालांकि पार्टी में कुछ लोगों को लगता है कि इससे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। वाईसीसी के पदाधिकारी और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी ने कहा कि कांग्रेस के लिए एकमात्र विकल्प पार्टी को स्थिर करना और फिर से किसी प्रकार की पूर्ण निर्माण के लिए तत्पर रहना होगा ताकि गांधी परिवार के किसी सदस्य को कार्यभार संभालने के लिए तैयार किया जा सके। वही संभावनाएं ये भी हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम जैसे प्रमुख राज्यों में आने वाले चुनावों के बाद होंगे। सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देते हुए असम में कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंद्वी और जबकि तमिलनाडु में ये डीएमके के साथ विपक्ष गठबंधन में है। वही कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ हाथ मिला सकती है, जहां सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के राज्य में सरकार बनाने के प्रमुख दावेदार होने की संभावनाएं हैं। वही पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि भाजपा ने राज्य में पहली बार जीत हासिल करने के लिए पूरी जान लगा दी थी। इसे देखते हुए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। बिहार चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद से पार्टी के भीतर टकराव का माहौल लगातार दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने खुलकर पार्टी नेतृत्व की आलोचना की, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतराज जताया। दरअसल चुनावी हार के कई वजह बतखोती हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व के प्रति दृढ़ विश्वास बनाए रखा। यही वजह है कि हम हर बार ज्यादा मजबूत और एक होकर संकट से उबर पाए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।